हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिस्ट्री का है और इसमें मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं और उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको मैंने शामिल किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्मग्रंथ संबंधित है। तो त्रिपिटक धर्मग्रंथ जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो ये 24 तीर्थंकर हुए हैं और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, किसने तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया। तो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसको संरक्षण प्रदान किया था सम्राट अशोक ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची में है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म नेपाल तक पहुँचा। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म नेपाल तक ले जाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो अंतिम व्यक्ति था दीक्षित किया जाने वाला, वो सुभद्र था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है जात्रिक गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था। महावीर की माता का नाम त्रिशाला। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो दोस्तों पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैनों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैनों के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। तो बिंबसार के शासनकाल में दोनों धर्म के उपदेश दिए गए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया था सारनाथ नामक स्थान पे दिया था और ये वाराणसी के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक जो है बौद्ध का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, और गया बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था
कुंड ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? तो जैन धर्म जो था उसमें पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया। अगला क्वेश्चन है, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जी जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कहलाता है 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली जी थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित है? तो ये जो है सम्मेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने अपने जीवन की का अंतिम समय कहाँ बिताया? तो बौद्ध के जो अंतिम समय था वो कुशीनगर में बीता था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु था अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, निरंजना नदी तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है बौद्ध गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के जन्म से संबंधित है? तो जातक बौद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किसका सिद्धांत और दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है जैन मत का सिद्धांत और दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध चरित के रचनाकार कौन हैं? तो बौद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, महाविभास शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? तो महाविभास शास्त्र के रचनाकार हैं वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है धम्मपद। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? भविष्य का बोधिसत्व तो ये माना गया है मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बंट गया? तो ये बटा था कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।